क्या आंसर होगा भाई इसका, कोई बताना चाहेगा? वंशिका, मयंक, उज्ज्वल। सर हाँ, 13, सर 13 रेज टू द पावर 7/8। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। वनिश्का, आपका आंसर सेम है? वनिश्का, आपको क्लियर नहीं हुआ? वनिश्का, 11 कितनी बार लिखा हुआ है? चार मनीषका, 11 4 टाइम्स लिखा है, तो 2 रेज टू दी पावर 4 आप लेंगे आएगा 16। 16 में से 1 माइनस करना है, 15/16 इज द आंसर। जो आपको ये, अगर मैं ये क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से कराता हूँ, जैसे इसको स्कूल्स में कराते हैं, तो इसको हम कैसे करेंगे? देखो, उज्जवल यादव, आप अपना साइलेंट कर लो विषय का भी, आपने आंसर तो भी दे दिया था बच्चे। उज्जवल यादव, हाँ ठीक है। इसका जो प्रॉपर मेथड होता है स्कूल का, वो ये कहता है 7 और ये 7, और जब भी रूट हम हटाते हैं ना, तो उसका 1/2 हम लिख लेते हैं, जिसके ऊपर कुछ नहीं होता, पावर 1 होती है। 7 7, और जब भी बेस सेम होता है ना, तो पावर प्लस हो जाती है। अभी है आपका 7 7, और 2 प्लस 1 2 बन जाए, 2 प्लस 1 ये हो जाएगा 3/2। और अभी आपको बताया, अगर कभी भी रूट हटाना हो ना, तो पावर 1/2 कर दो आप, तो ये 7, और पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 3 बन जाए 3 2 2 4, और जिसके ऊपर कुछ नहीं होता 1 होता है। इससे अगला स्टेप, 7 बेस सेम है तो पावर प्लस कर दो, 7 4 बन जाए 4 प्लस 3 7/4। अभी आपको बताएगा, रूट हटाना हो ना, तो पावर 1/2 कर दो, और जो पावर से पावर को मल्टीप्लाई करोगे, तो 7 बन जाए 7 4 2 8, आंसर 7। पर ये तरीके तो भाई नहीं चलेंगे ना एग्जाम में। एग्जाम का तरीका तो मैंने आपको सिखा दिया, ये 7 3 टाइम्स है, तो 2 की पावर 3 दैट इज 8, ये 7 एज इट इज उतारो, इसमें से 1 माइनस करो, यहाँ पे 8 लिखो। चलो, एक क्वेश्चन मैंने आपको और दिया। मैंने यहाँ पे लिखा 17 और 17, बताओ क्या आंसर होगा इसका? सेवेंटीन हम्म, सेवेंटीन रेज टू पावर 3/4। बहुत ही बढ़िया। आपको पता है, 2 बार है, तो 2 की पावर 2 लेंगे, दैट इज 4। 4 में से ऑलवेज 1 माइनस करना है, और ये 4 एज इट इज। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही। मेरे ख्याल से अभी तक ये मयंक ने आंसर दिया है ना। उज्जवल यादव और वंशिका, आपको आ रहे बच्चे समझ में? उज्जवल यादव एंड वंशिका, आपको क्लियर हुआ नहीं हुआ ये? उज्जवल एंड यस सर। वंशिका, ठीक है। तो आप जवाब तो नहीं दे पा रहे आप पर, चलो इसका जवाब दो फिर आप। एक मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा आपके लिए, 3 3 3 3, बताओ इसका आंसर आप बता सकते हैं तो। थ्री 4 टाइम्स है ना भाई, तो 2 की पावर 4 दैट इज 16, 3 की पावर 16 माइनस 1 15/16 इज द आंसर। बताओ कौन बताएगा फास्ट?
की पावर 31 अपॉन 32। 1 2 3 4 5 टू रेज टू दी पावर 5 इज 32। 19 की पावर 31 वेरी गुड, बहुत गुड। अच्छा इसी में मैंने अभी आपको एक ट्रिक बताई थी कि अगर यही अगर इनफाइनाइट तक आ जाएगा तो क्या आंसर होगा बच्चे, अगर ये इनफाइनाइट तक आ गया तो क्या आंसर होगा, तो आंसर आपका सेम ही रहेगा, आंसर इज 19। अगर ये आपका 5 है ये इनफाइनाइट तक आ गया तो क्या आंसर होगा इसका, 5। और प्लस और माइनस का आपको सिखाई दिया है ना, प्लस का अपने रूट्स आपने सीखे हैं, रूट्स वाला क्वेश्चन आपने प्लस वाला सीख लिया, माइनस वाला सीख लिया, मल्टीप्लाई वाला भी आपने सीख लिया और इनफाइनाइट वाला भी आपने सारे क्वेश्चन आपने सीख लिए। तो इसी तरीके से जो आज मैडम ने आपको कराया ना उसके आप ठीक से थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना, और आज के लिए इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में फिर मिले। ओके उज्ज्वल मयंक नमन एंड बंशी, ओके बेटा बाय। ओके सर, बाय। थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम। बाय सर, बाय बेटा।